नमस्कार, आप देख रहे हैं शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हरियाणा में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस आलाकमान कोई भी दांव खाली नहीं छोड़ रहा है। हरियाणा में 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक को बांटने के लिए आम आदमी पार्टी, JJP, INLD, BSP और ASP जैसी पार्टियाँ भी मैदान में हैं। इनमें से JJP और ASP और INLD और BSP में चुनाव पूर्व गठबंधन हो चुका है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जुगत में है। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी से गुजरात, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जिसमें चंडीगढ़ के अलावा कहीं चुनावी सफलता नहीं मिली थी। हरियाणा में कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन गठबंधन में मिली कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी हार गई थी, जिसके बाद उसके नेताओं ने कांग्रेस पर साथ नहीं देने के तीखे आरोप लगाए थे। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान एक बार फिर आपसे गठबंधन करना चाहता है ताकि सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो सके। उधर हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की गठबंधन की बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार उनके सत्ता में आने के पूरे चांस हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के लिए सीटें छोड़ी गईं तो उन सीटों पर कांग्रेस के दावेदार बगावत कर सकते हैं और पार्टी को इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में खुद राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन का सुझाव दिया है, तो कोई खुलकर मना भी नहीं कर सकता है। उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी लगता है कि कांग्रेस से गठबंधन हो गया तो दिल्ली और पंजाब के बाद उनके लिए एक और राज्य में आधार बनाना आसान हो जाएगा। इसलिए शुद्ध सियासत में यह सवाल पूछा जाना जरूरी है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कांग्रेस आलाकमान? क्या इस गठबंधन से आसान होगा कांग्रेस की चुनावी कामयाबी का रास्ता? क्या लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को दोनों दलों के नेता मंजूर करेंगे? तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ अविरल मलिक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में अमित तिवारी और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ निरंजन पोदार लगातार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस आप में गठबंधन पर आगे बात बढ़ गई है। थोड़ी देर में ही KC वेणुगोपाल से मिल सकते हैं आपके सांसद राघव चड्ढा। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में आम आदमी पार्टी मांग रही 20 सीटें, कांग्रेस की तरफ से दिया गया है 5 सीटों का ऑफर, और इस संबंध में बातचीत करने के लिए आज थोड़ी देर बाद ही राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल के बीच में मुलाकात हो सकती है, और ये बहुत अहम खबर है इस चर्चा के दौरान। आज सुबह से ही इस बात की चर्चा हो रही थी, हालांकि कल जब बैठक थी कांग्रेस की बैठक के दौरान राहुल गांधी की तरफ से ये चर्चा छेड़ी गई, उन्होंने अपने नेताओं से पूछा और उसके बाद आज पूरे दिन इस पर चर्चा होती रही। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी। अमित जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अमित जी, बात तो आगे बढ़ गई है, आज KC वेणुगोपाल जी की और राघव चड्ढा जी से मुलाकात हो रही है। अमित जी, आपको आवाज आ रही मेरी? मुझे लगता है अमित तिवारी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अविरल मलिक से बातचीत कर लेते हैं। अविरल जी, आवाज मेरी आ रही है? कांग्रेस और आप, कांग्रेस और आप गठबंधन करने जा रहे हैं, आज मुलाकात भी समझौता रात में हो सकती है, ये आपकी हैट्रिक को रोकने के लिए बड़ा कदम कांग्रेस और आप मिलकर उठाने जा रहे हैं? जी देखिए, जहां तक कदम की बात है तो जिस प्रकार से आपने कहा कि कदम उठाने जा रहे हैं, तो एक खूब कदम उठाएं, जितना मर्जी ये कदम उठा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये केवल नेताओं का गठबंधन है और उन नेताओं का जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। ये जनता गठबंधन में नहीं आ रही है, ये कार्यकर्ताओं का निचले स्तर पर गठबंधन नहीं है। ये कार्यकर्ताओं का, जनता का अगर गठबंधन हो तो एक अलग विषय है, लेकिन ये नेताओं का गठबंधन है।
ये ऊपर होने वाला गठबंधन है, ऊपर होने वाले गठबंधन में और धरातल वाले गठबंधन में जमीन और आसमान का अंतर होता है, वो सबको मालूम है। अविरल लोकसभा चुनाव अभी कुछ ही दिनों पहले गुजरे हैं, लोकसभा चुनाव में हरियाणा का जो स्टेटस रहा, हरियाणा की जो स्थिति रही है, उनमें से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को मिला दिया जाए तो ये गठबंधन बीजेपी से ज्यादा सशक्त दिखा है वहां पर। जी नहीं, इस प्रकार से अगर लोकसभा चुनाव के तहत देखा जाए तो फिर दिल्ली का भी देखना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव की तुलना विधानसभा चुनाव से करते हैं तो दिल्ली के विषय पर ही सबसे पहले नजर डाल लें। दिल्ली में जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, वही देख लें। आपने बिल्कुल, 7 सीटें हम जीते हैं तो 70 में 70 विधानसभा हम जीतेंगे इस आधार पर। तो जी ठीक है अविरल, आपने सवाल भी एक खड़ा कर दिया है। अमित तिवारी जी, अविरल की बात आपने सुन ली होगी मुझे लगता है, कांग्रेस अमित जी आपने बीजेपी प्रवक्ता अविरल जी की बात सुन ली होगी। नहीं उनका द्विवेदी जी, आलोक जी थोड़ा लेट से ऑडियो हमको। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। उनका ये कहना है कि ये गठबंधन तो आपका लोकसभा चुनाव में भी रहा और एक चंडीगढ़ की सीट छोड़ दीजिए, बाकी जगह सब जगह सारा गठबंधन फ्लॉप रहा। आपको जो हरियाणा में एक सीट मिली थी वो भी आप हार गए थे, दिल्ली की दोनों लोग मिलकर लड़े, सात की सातों सीटें हारे, सिर्फ चंडीगढ़ की मनीष तिवारी वाली सीट ही कामयाब हो पाई थी, बाकी ये गठबंधन फ्लॉप था लोकसभा में। ऐसे में अविरल जी कह रहे हैं कि ये गठबंधन विधानसभा में भी कुछ नहीं कर पाएगा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की ये कुशासन की सरकार का बिल्कुल द एंड आ चुका है। जैसे ही चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, वो भी चुनाव आयोग ने किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से विचलित थी, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और चुनाव आयोग ने तिथि आगे बढ़ाई, उससे लेकर के हरियाणा में किसानों पर हुए अत्याचार, जिस हरियाणा के हरियाणा से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की का नारा दिया और उसी हरियाणा में बेटियों के साथ किस प्रकार की बर्बरता की गई पुलिस के द्वारा दिल्ली में, वो भी जग जाहिर है, किसानों पर किए गए अत्याचार, हरियाणा के बॉर्डर को इस तरह से दिल्ली के हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया किसानों के लिए, लग रहा है वो चाइना का बॉर्डर है। अगर वो चाइना के लिए इतना काम करते तो यकीनन महंगाई, हरियाणा के चुनाव में मुख्य मुद्दा वहां का बेरोजगारी है, वहां से जो पलायन कर रहे हैं और वहां पर जो अपराध पनपा है, और हरियाणा की सबसे बात आलोक जी बताएं हम कि जिस बलात्कारी बाबा से भारतीय जनता पार्टी का प्रेम छलका है ना, वो गुरमीत बाबा राम रहीम से, उसको तो इन्होंने मेहमान नवाजी के साथ नवाजा है, पर अभी चुनाव के पहले वो 20 दिन की पैरोल पर है। हरियाणा की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, कुशासन से, महिला अपराध से, किसानों पर हुए उत्पीड़न से, इन सब से जवाब लेने के लिए एकदम बैठी हुई है। संविधान और आरक्षण नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों अच्छा, नहीं रहेगा, वो तो पूरे देश का मुद्दा है। और ठीक है, ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, आपके पास आऊंगा। निरंजन से एक सवाल ले लेता हूं। निरंजन जी, राहुल गांधी की इस मंशा के पीछे, अगर राहुल गांधी ये मंशा जता रहे हैं कि मुझे आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, हमारी पार्टी को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, इस मंशा के पीछे क्या कोई फ्यूचर पॉलिटिक्स छिपी हुई है, या वो हरियाणा के माध्यम से अन्य राज्यों, देश के बाकी राज्यों और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों को कोई एक संदेश देना चाहते हैं? देखिए आलोक जी, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस एक समय था पूरे भारत के अंदर एक तो शासन करती थी, और उसके बाद में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई और वहां से कांग्रेस का आप ये समझ लीजिए दिशा बन गया, इस चीज का आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पॉलिसी थी या कांग्रेस की जो राजनीतिक रणनीति थी, अब वही रणनीति और वही वार रूम और वही वॉरियर अगर दोबारा से उसी प्रकार का अगर आगे राजनीतिक नीतियां या रणनीतियां बनाते हैं तो इसके अंदर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो आपको दो तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात यह कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना जो विस्तार किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को खड़ा किया है, चाहे हम उत्तर प्रदेश पंजाब की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, किसका सफाया किया? कांग्रेस का सफाया किया। और अब अगर कांग्रेस अगर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को
खड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही है, या यूं कहें कि वहां पूछता एक राजनीतिक स्टैक बनाने के लिए अगर लिए स्वयं तैयार है, तो फिर कोई दूसरे को उसकी दूसरे को उसके नुकसान के लिए दूसरे को नुकसान करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 10-11 वर्षों से हरियाणा के अंदर हाथ पैर मार रही है, और अगर स्वयं कांग्रेस ही वहां पे उसको स्थापित कर देती है तो ये इनकी अपनी सोची अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन मैं इसको रणनीतिक भूल मानता हूँ। वो इसलिए आप ये चीज समझिए कि 2019 के अगर विधानसभा चुनावों की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिला था? आम आदमी पार्टी को वोट मिला था 0.48%, यानी कि आधा परसेंट से भी नीचे। और अगर उसको आप विधानसभा वार देखेंगे तो कहीं 200, कहीं 1200, कहीं 800, कहीं 700। अगर कांग्रेस ये चीज सोचती है कि भाई आम आदमी पार्टी को हम साथ में लेने और भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, यानी कि हमको भी साथ नहीं लेना चाहते, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि हम जिस तरीके से हरियाणा के अंदर कांग्रेस मजबूत पार्टी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कमजोर आती जा रही है, विशेषकर 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज को सर्व प्रदर्शित करना चाहती है कि हरियाणा के अंदर इतनी बुरी स्थिति बीजेपी की नहीं है, वहां पे इसका बिल्कुल मैच टू मैच फाइट है कि 1000-1500 वोटों से भी वहां पे सीट हारी जा सकती है, जिसका हमें चांस नहीं लेना। या तो ये बात हो सकती है, या फिर कांग्रेस के जो रणनीतिकार है वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारा राजनीतिक स्टेट आम आदमी पार्टी को मिल जाए। क्योंकि देखिए राजनीति में होता क्या है कि आप अगर अपने प्रतिद्वंदी को कहीं ना कहीं उस घर में घुसने की, या जिसको कहते हैं कि गेट अगर उसके लिए खोल देंगे तो निश्चित रूप से उसके बाद में विस्तार अपने आप होता है। और इसके अंदर आप ये भी मान के चलिए कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से आप ही की रिपोर्ट में बात करूं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देने के लिए तैयार है, और अगर चुनाव परिणाम ऐसे आते हैं कि सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के पास होगी, तो आप सोचिए कि कांग्रेस की उस टाइम हरियाणा में राजनीति क्या होगी, कांग्रेस की राजनीति हरियाणा में जी ठीक है, ठीक है, आम आदमी पार्टी के दबाव में आज सरकार चलाने की होगी। जी ठीक है निरंजन जी, ठीक है आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आऊंगा। अमित, अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि अगर राघव चड्ढा जी की बात वेणुगोपाल जी के साथ हो रही है थोड़ी देर बाद या रात में हो रही है, तो मुझे लगता है सुबह तक कोई बड़ी खबर सामने आ ही जाएगी। हो सकता है सीटों के बंटवारे को लेकर कोई पेंच फंसे। अमित देखिए यकीनन शीर्ष नेतृत्व तो जो भी बातें कर रहा है वो सभी नफा और नुकसान और हमारी जितनी भी चीजें उन सबको दृष्टिगत रख करके कर रहा है। यकीन मानिए हरियाणा का मिजाज बदल चुका है और हरियाणा परिवर्तन मांग रहा है। आप देखिएगा कि जब चुनावी परिणाम खुलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर सफाया निश्चित है, या उस 10 साल की जो ज्वलित अग्नि है उसमें एक आहुति है वोटर्स की, जिन्होंने महंगाई के दंश को झेला है, जिन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाते हुए, यही तो हरियाणा पुलिस है ना, इसी हरियाणा सरकार के सारे इसी सारे पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, हवाई फायरिंग मारी गई की गई है किसानों के ऊपर, कील लगाए गए, कांटे लगाए गए, देश की बिटिया जो मेडल लेकर के आती हैं उनके साथ, ये हरियाणा की बिटिया थी जिनके साथ अन्याय किया है इस सरकार ने, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के ये वो हरियाणा है जहां पर बेरोजगारी का एक इतना बड़ा नेक्सस पैदा किया गया है कि लोग दूसरे दूसरे देशों से विदेश भाग रहे हैं बिना जाली मतलब जाली पासपोर्ट के। तो यकीन मानिएगा कि चुनाव परिणाम इस बात को बताएंगे कि यहाँ जो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में बह रही है और कांग्रेस के विकास के मॉडल के पक्ष में बह रही है, जबकि 10 साल की तथा कथित सरकार के खिलाफ जबरदस्त। ठीक है ठीक है अमित जी, दस साल सरकार में रहे हैं आप लोग, एंटी इनकम्पेंसी तो होती ही है, जाहिर सी बात है कि 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी से भी आपको संघर्ष करना है वहाँ पर। इसके अलावा जो नए समीकरण बने हैं उन समीकरणों के मुताबिक जो सर्वे आ रहे हैं वो भी बीजेपी के पक्ष में सर्वे नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कैसे निपटेंगे ये तमाम सारे जो गठबंधन सामने आएंगे उनसे कैसे निपटेंगे फिर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप लोग मात खा चुके हैं इन्हीं गठबंधन की वजह से, अभी लोकसभा चुनाव में ही देखते देखते आप लोग शिकस्त खाएं। देखिए मैं इस विषय को स्पष्ट कर देता हूं, जिस प्रकार से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम मात खा चुके हैं गठबंधन के कारणवश, तो बिल्कुल ये गठबंधन के कारण नहीं हुआ, ये यदि हुआ है तो केवल एक कारण से हुआ, और वो कारण है कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा।
जो झूठ परोसने का काम इंडी गठबंधन ने किया वो तो वहां भी होगा, वो तो हरियाणा में भी होगा, उससे वो सारी चीजें जोड़ लीजिए ना, वो तो हरियाणा में भी होगा वो मुद्दा, तो अभी बोले ना अमित जी की हरियाणा में भी करेंगे। चलिए ठीक है अमित जी आपके पास बाद में आऊंगा, पहले पहले अविरल जी की बात पूरी होने दीजिए। जी देखिए जहां तक झूठ परोसने की बात है, अगर झूठ परोसकर ये जनता को गुमराह करते हैं तो जनता एक बार ही गुमराह हो सकती है, दो बार तीन बार चार बार नहीं हो सकती है, इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। क्योंकि इस देश का सिटीजन बहुत अवेयर है, इस देश का नागरिक बहुत अवेयर है जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, जेपी के नेतृत्व में किस प्रकार से मजबूती के साथ इस देश की जनता ने लड़ाई लड़ी थी, वो भी सबको मालूम है। इस देश के नागरिक को अगर ये समझे कि राजनीतिक रूप से अनपढ़ है तो ये ना कि किसानों पर हरियाणा में क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ। अविरल जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप इंटरप्ट मत करिए, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। देखिए जहां तक बात है संविधान की, तो सबसे पहले आपको केशवानंद भारती केस पढ़ना चाहिए। नंबर दो, जहां तक बात है हरियाणा के विषय, जिस तरीके से उन्होंने, जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सो आ रही है आवाज, आप बोलिए बोलिए अविरल, बात खत्म करिए। हरियाणा का विषय है और जम्मू कश्मीर का विषय है, तो हरियाणा के विषय पर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, जिस प्रकार से उन्होंने कल कहा, इस विषय को स्पष्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के भीतर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है, और वो बिल्कुल सही है। उन्होंने तथ्यों के आधार पर कहा, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, नंबर एक वो एक बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं वो एक बड़ी बात है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का विषय है, आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब के अलावा कहीं कोई जनाधार ही नहीं है, ये कहीं भी चुनाव लड़ लें वहां इनकी जमानत जब्त होना तय है जी। और दिल्ली और पंजाब में भी इनका जनाधार समाप्त हो रहा है। दिल्ली का नतीजा क्या है? दिल्ली में सात में सात सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, सात में सात सीटें जब भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते तो अविरल आपको पता है तब क्या रिजल्ट होता है, ये तो लोकसभा 14 में भी जीते 19 में भी जीते। ठीक है अविरल, आपका जवाब ले लेता हूँ। अमित तिवारी जी जल्दी देखिए, हमारे भाजपा के साथी की मजबूरी है ये कहना कि संविधान, देखिए संविधान की कोई बात आलोक जी गलत नहीं है, इनके ही नेता सबसे बड़े थे, लल्लू सिंह जी ने कहा था कि हम संविधान खत्म करेंगे, दिया कुमारी जी ने कहा था हम संविधान खत्म करेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर इनके शीर्ष नेतृत्व की वो भावना नहीं थी, वो विचार नहीं था, तो इनके शीर्ष नेतृत्व में मोदी जी और शाह जी ने से या कोई भी बड़ा लीडर उनको रोका नहीं। दूसरी बात, आप नारी अस्मिता की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हरियाणा के लिए क्या रहा है? आप देखिए ना कि किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए, उस पर इनका चुना हुआ, इनकी चुनी हुई सांसद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहती है कि वहां किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, क्या यही सम्मान हरियाणा के लिए? तो हरियाणा की जनता जानती है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें निष्कासित करती, उन पर कार्रवाई करती। और भारतीय जनता पार्टी का मूक बधिर होना इस मुद्दे पर कि कंगना रनौत ने किसानों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, वो भी रेप जैसी घटनाओं को कह करके, इतने सुचिता के आंदोलन को जो कलंकित उन्होंने किया है, जब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मूक बधिर अपनी व्यवस्था रखी है। हम इस बात को मानते हैं कि बैकलॉग से कहलवाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा के किसानों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया है। बात करते हैं ये कि केशवानंद भारती जी का केस पढ़ लीजिए, आप कहिए ना, आप ही के नेता चिल्ला चिल्ला के मंच पे कह रहे थे कि जमानत किसकी जब्त होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन हम इस बात को जरूर मानते हैं, हम इस बात को आलोक जी जरूर मानते हैं कि हरियाणा में परिवर्तन होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार वहां पर बनने जा रही है। बिल्कुल, वक्त आ गया है, 8 अक्टूबर को पता ही चल जाएगा, 5 तारीख को पोल है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। निरंजन जी के पास चलते हैं, निरंजन जी क्या हरियाणा के जरिए राहुल गांधी दिल्ली और गुजरात में अपनी पिच सेट करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला, विधानसभा की बात कर रहा हूं, और गुजरात में भी पार्टी की हालत बहुत अच्छी रही कांग्रेस की, लेकिन ये एक शुरुआत करके मुझे लगता है दिल्ली और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी में फ्यूचर के लिए एक दरवाजा खोलना चाहते हैं कि जब विधानसभा चुनाव हो तो हम आम आदमी पार्टी के साथ वहां पर चुनाव लड़ सकें।
देखिए आलोक जी, आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात तो आप राहुल जी की राजनीतिक रणनीति या राहुल जी की राजनीतिक परिपक्वता को ध्यान देखिए, दूसरी तरफ आप अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक परिपक्वता को देखिए। आज तक आप अगर दोनों का मूल्यांकन करेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अब कांग्रेस को कहीं भी किसी भी रूप में कहीं ना कहीं विधानसभा की बात करो विधानसभा में कोई स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। और अरविंद केजरीवाल इस बात को भली भांति जानते हैं, आम आदमी पार्टी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अब अगर दिल्ली के अंदर कहीं कोई गठबंधन कर लिया या कांग्रेस को दोबारा से पुनर्जीवित करने का अगर अवसर दे दिया तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं वो निकल जाएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बेशक राहुल गांधी जी की रणनीति हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इनको कहीं ना कहीं कोई स्ट्राइक देगी। रही बात गुजरात की, तो गुजरात में और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के पास कुछ खोने के लिए विशेष है ही नहीं। अब उनको तो जो पाना है वो वहां पे पाना ही पाना है। आप ये समझते चलिए, जो आप ये मान के चलिए लगभग 4.25% वोटों का जो उनके पास इजाफा हुआ लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रहा हूं, तो वो इजाफा केवल और केवल इस वजह से हुआ क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने अपने साथ मिला लिया और समझौते के अंदर जिस तरीके से सीटें दी थी, गुजरात के अंदर भरूच सीट थी और दो सीटें दी और हरियाणा के अंदर सीटें दी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का यहाँ पे राजनीतिक पैर धीरे धीरे कांग्रेस अपनी नीत अपनी गलत नीतियों की वजह से जमाने का प्रयास करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, हरियाणा के चुनाव की हम बात करें तो आपको आलोक भी ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि अब हम अगर भारत के चुनावी राजनीति की हम अगर पूरे तौर पे पिछले 15-20 वर्षों का अगर मैं विश्लेषण करता हूं तो मुझे ये चीज दिखाई देती है कि आज की तारीख में जो चुनाव दिख रहा है वो चुनाव आते आते बदलता भी है। आज की तारीख में हरियाणा के अंदर चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस एडवांटेज लेती हुई दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ वहां पे एक 10 वर्ष का एंटी इनकंबेंसी है और उसके बाद में जिस तरीके से किसान आंदोलन कहे या जो महिला खिलाड़ी कहे वो जो उनके साथ टेस्ट जो टैग चप्पा हो गया और सबसे बड़ी बात उसके बाद में जिस तरीके से 2024 के अंदर बीजेपी को एक समझ लीजिए राजनीतिक आघात लगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले 10-15 वर्षों की राजनीति को अगर मैं देखता हूं तो आप ये समझ के चलिए कि चुनाव के दौरान बिल्कुल चुनाव बदलते हैं। अगर मैं अगर आप थोड़ा सा आपको अतीत में ले जाऊं 2024 के लोकसभा चुनावों को आप देखिए, जिस दिन 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए थे, चुनाव की घोषणा हुई थी, उस दिन आलोक जी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, कोई सामने चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रहा था। लेकिन जो 1.5-2 महीने का जो चुनाव का जो दौर था उसी दौर के अंदर चुनाव बदला और भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोक दिया, या यूं कहेंगे अगर उड़ीसा और दक्षिण से अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद ये 200 के नीचे रह जाते, सरकार से बहुत दूर हो जाते। तो कहने का तात्पर्य इससे पहले मैं 2022 के अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दो महीने के अंदर चुनाव 3 बार बदला, यानी कि कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया कभी खिलाफ किया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन चुनाव का समय आते आते चुनाव किस तरफ जाता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी बड़ी असमंजस की स्थिति है। ठीक है ठीक है ठीक है निरंजन जी, ठीक आऊंगा आपके पास। आविरल, लोकसभा चुनाव से पहले ही आप लोगों ने मुख्यमंत्री बदल दिया, इस ये लगा कि शायद लोकसभा में हम वापस फिर 10 की 10 सीटें पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संगठन में बदलाव किए गए, कुछ और बदलाव किए गए, लेकिन उसका असर ग्राउंड में देखने को नहीं मिला। ऐसे में लोकसभा चुनाव के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कैसे ये संभव होगा आपके लिए कि आप हैट्रिक आप हरियाणा में हैट्रिक लगा पाओ? जी देखिए, जहां तक हरियाणा प्रदेश का विषय और हैट्रिक का विषय है तो हैट्रिक लगना हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तय है। जिस तरीके से हमने निरंतर जनता के लिए काम किया, एक रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, किसी नियुक्ति में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, युवाओं के लिए कार्य किया, हर जाति के लिए कार्य किया, बेरोजगारी बढ़ा दी। ठीक ठीक, आप कंटिन्यू बोला था क्या? मैं आपके बीच में बोला था क्या? नहीं नहीं नहीं, बताइए, बोलते रहिए। आपने महंगाई बढ़ा दी, आपके बीच में बोला था क्या? बढ़ा दिया। अविरल, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अमित, अमित आप इसका जवाब दे दीजिएगा। अमित आप इसका जवाब दे दीजिएगा। अविरल की बात खत्म होने के बाद आप जवाब दे दीजिएगा। नहीं, बोला था क्या आपके बीच में? अविरल अविरल कंटिन्यू, अविरल अपनी बात कंप्लीट करिए। चाइना का बॉर्डर बना दिया,
नहीं नहीं आप ज्यादा चाइना चाइना करेंगे तो फिर मैं चाइना के बारे में बता दूंगा और पाकिस्तान हाँ, बताइए 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 अग्रवाल आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर हम अमित के पास जाएंगे। अमित कंप्लीट हो जाने दीजिए अग्रवाल की बात, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं। बात है गांव गरीब के लिए कार्य किया गया हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी के समय में रहा हो या फिर गुरमीत राम रहीम के लिए काम हुआ। अग्रवाल आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अमित अमित आप उसके बाद आप आपको ही मौका दूंगा, आप ही बात आप ही उसका जवाब दें। नहीं छोटा सा ही मेरा जवाब है। गुरमीत राम रहीम के विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल 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 जो जो कहना होगा कहेंगे, कहने तो दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे तो कहां से कहेंगे। देखिए जहां तक बाबा राम रहीम की इन्होंने बात की और बाबा राम रहीम का इन्होंने विषय उठाया, परम पूज्य लिखिए आगे, परम पूज्य बाबा कहिए। अरे भाई अरे भाई अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए उनको, बात बार बोलते जा रहे हैं इन्हें, मुझे लग रहा है ये ठीक है ठीक है। अरे आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए जहां तक बात है राम रहीम जी की तो उस विषय में मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। जहां तक कांग्रेस के नेताओं का प्रश्न है, कांग्रेस के अनेकों नेताओं के साथ मैं फोटो दिखा सकता हूँ बाबा राम रहीम की, अगर देखना चाहे तो मेरे से संपर्क कर लें। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल संपर्क हो सकता है आसाराम के साथ, पीछे थाली लिए हुए नवजोत सिंह सिद्धू का आसाराम बापू के पास, नवजोत सिद्धू नवजोत सिद्धू अरे मैं कह तो रहा हूँ ना, आपके पीर नेता मोदी जी फारूक अब्दुल्ला वासुदेवाय नमः फारूक अब्दुल्ला, मैंने नहीं कहा मोदी जी, फारूक अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जिनके साथ गठबंधन किया आप लोगों ने, हमने हमने नहीं कहा कि उनके साथ फोटो होने से कुछ होगा। अगर अगर फालतू आप बोलेंगे तो मैं पोल खोलने में एक मिनट बोले 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 खोलिए ना, अगर बोल रहा हूँ बोलना बोल रहा हूँ। गुरमीत गुरमीत राम रहीम हरियाणा से संबंध रखते हैं और आपने बताया कि इस 10 साल की खट्टर सरकार ने उस रेसिस्ट को किस प्रकार से पैरोल पर छोड़कर मेहमान नवाज की उन्होंने दी और फिल्म शूटिंग करानी थी। आप बोलिए ना, ठीक है वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। निरंजन जी, अमित जी और अविरल आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। लोकसभा चुनाव में मिली असफलता के बाद हरियाणा में एक बार फिर आपसे गठबंधन की बात किसी को पच नहीं रही है, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि हरियाणा में आपसे गठबंधन कर राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति की पिच सेट कर रहे हैं। वो इस समझौते के जरिए केंद्र में विपक्षी मोर्चे को और मजबूत बनाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ें। ये कुछ कुछ वैसी ही है जैसे बीजेपी बिहार और महाराष्ट्र में अपनी भूमिका निभा रही है। बहरहाल शुद्ध सियासत में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।